ज्ञान का
स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान का जो स्वरूप था वो ये था, अशेषेण भूतेण आत्मनि दृक्षसि अथ मयि, यही यह ज्ञान का स्वरूप है। अच्छा, इस पर बात करें, इसके पूर्व एक चीज ये जानिए, ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो सुना और सुनने के बाद वो व्यक्ति भूल गया तो वह शाब्दिक ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए बोलते हैं देखो, इसको जान लेने पर क्या भगवान ने बोला है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्। ये देखो, न पुनर्मोहम्, इसको जान लेने के बाद मोह दोबारा नहीं आता। अब मोह मतलब क्या, सरल भाषा में आपको कहें, मोह का मतलब है ना समझी। इसे सरल भाषा में और क्या कहा जा सकता है, मोह का अर्थ है ना समझ। बोले ना समझ मतलब क्या हुआ, उल्टा ज्ञान, मोह वैचित्ते, उल्टा ज्ञान मतलब क्या हुआ, जिस चीज को जैसा जानना चाहिए उस चीज को वैसा ना जानकर कुछ उल्टा ही जानता है। यथावत प्रजानाति विपरीतांश प्रजानाति, मतलब जो चीजों को जैसे जानना चाहिए वह वैसा नहीं जानता है, तो कहते हैं इस व्यक्ति को क्या हो गया, मोह हो गया। अच्छा, तो मोह का सरल भाषा में अर्थ मैंने किया उल्टी समझ, उल्टी समझ। अब अध्यात्म में ये उल्टी समझ क्या है, मोह का अर्थ उल्टी समझ यह है कि जब हम अपने आप को व्यक्ति मान लेते हैं तब कर्ता और भोक्ता अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, और जब कर्ता भोक्ता स्वीकार कर लिया तो ध्यान रखिए जितनी उलझने हैं वो सब की सब खड़ी हो जाएंगी। मतलब अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझना यह मोह है। एक बात सरल होती है, जो भी व्यक्ति अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है तो समझ लीजिए फिर आगे बहुत बड़े समुद्र में गिरने वाला है। फिर तो सुख की स्वाभाविक इच्छा रहेगी ही रहेगी और वो उसको मिलता नहीं है, तो फिर वो उसके लिए बहुत सारे कर्म करता है, कभी सफल होता है कभी असफल होता है। स्पष्ट हो गया, तो मोह मतलब हो गया जो साधक अपने आप को व्यक्ति जीवत्व भाव में और व्यवहारिक शब्दों में कहें अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को भोक्ता मानता है, अपने आप को ज्ञाता मानता है, वह व्यक्ति तो हाँ फिर समस्याओं से ग्रस्त होगा। अच्छा, इसका उल्टा है, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, जो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता, बोले वह ज्ञान है, अहम अकर्ता अहम अभोक्ता, तब समझ लो उसको क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो अब ये कैसे जाना इसने अकर्ता और भोक्ता को, तो ये प्रोसेस आपने पहले दी थी, तद विधि प्रणिपातेना, उसने प्रणिपात किया, परिप्रश्न किया, और उसके जीवन में कोई गुरु की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई,
इसीलिए देखो विभीषण भी बोलता है, अब मुई बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरे ऊपर भगवान की कृपा तो है, क्योंकि जीवन में किसकी उपलब्धि हो गई? हनुमान जी की, संत की उपलब्धि हो गई, इसका मतलब भगवान की कृपा तो है। ये सब इसके पूर्व में ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, यह जो विवेक है ये बिना सत्संग के भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु सत्संग न हरि कथा, और उसके बिना तही बिनु भाग न मो। रामचरितमानस में तही बिनु, मतलब देखो कैसा क्रम हो गया, हरि कृपा, संतों का मिलन, संतों के मिलन से सत्संग, सत्संग से विवेक, विवेक से मोह की निवृत्ति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हरि कृपा का परिणाम संत मिलन, संत मिलन का परिणाम सत्संग, सत्संग का परिणाम विवेक की उत्पत्ति, विवेक की उत्पत्ति का परिणाम मोह की निवृत्ति। तो स्वयं को सदैव ऐसा याद दिलाना चाहिए, ऐसा योग बनाया भगवान ने सत्संगियों को, हमको, कि भगवान की कृपा है कि हम लोगों को क्या मिला, सत्संग मिला, क्योंकि उसके बिना इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। अच्छा, अब क्या था वो ज्ञान, फिर से देख लीजिए, जो भूत हैं, अशेषेण भूतेना ऐसा कह ले, एक सिद्धांत है, बहुत शुरुआत से बहुत फंडामेंटल क्लियर करते हुए आपकी बात कह रहा हूं, नीचे स्तर पर। जैसे व्यष्टि में होता है वैसे ही समष्टि में भी होता है। यथा व्यष्टि ही तथा समष्टि ही। क्या है व्यष्टि में? व्यष्टि में तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्नावस्था, और एक है सुषुप्ति अवस्था। स्पर्श हो गया। जैसे व्यष्टि में जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, उसी तरह से समष्टि में भी तीन है। तीन है मतलब क्या? एक तो स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, और तीसरे को बोलते हैं अव्यक्त प्रपंच। ये समझ में आ गया? ज्ञान क्या है? इन तीनों प्रपंचों को, तीनों अवस्थाओं को, हाँ, अवस्थाओं में मैं को नहीं देखना, मैं के अंदर तीनों अवस्थाएं हैं। फिर से, अहम इसका अधिष्ठान है। फिर से समझा, एक एक स्थिति है साधक की कि वो बोलता है जगत में मैं हूं, और एक स्थिति है वो बोलता है जगत में मैं नहीं, मैं में जगत। शुद्ध जी ग्रहण के संवाद में निज प्रभु में देखूं जगत, जगत में प्रभु नहीं, प्रभु में जगत है। ये दृष्टि बदलनी चाहिए।
और सरल है, जो बहुत स्थूल साधक है, बहुत विवेक नहीं जागृत है, वो यही कहेगा कि जल लहरों में जल है, लहरों में जल है। लेकिन जो एडवांस साधक होगा वो कहेगा लहरों में जल नहीं है, जल में लहर है। माया समझ में नहीं आ रहा है कुछ? तीनों अवस्थाओं में मैं हूं, ये एक स्थूल सत्य है, यह भी सच है। लेकिन मैं के अंदर यह तीनों अवस्थाएं हैं, यही ध्यान का विषय होना चाहिए। जैसे व्यष्टि है ऐसे ही समष्टि करो, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और अव्यक्त प्रपंच, ये तीनों प्रपंच आत्मा में है। आत्मनि, ये शब्द मिल गया, द्रक्षसि आत्मनि, आत्मा में। जैसे कि ऐसे देखना कि मिट्टी में घड़ा, घड़े में मिट्टी नहीं, मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, आत्मा में पूरा जगत, जगत में आत्मा नहीं, यह विवेक जागृत होना। ओ, इतना आसान तो नहीं है ये ध्यानावस्था में यह चीजें बार बार देखने का अभ्यास करना चाहिए, यही ध्यान है। तो स्थूल प्रपंच क्या है? जो हम और आप देख रहे हैं वो क्या है? स्थूल प्रपंच। जो प्रपंच के पीछे है वो कौन हो गया? सूक्ष्म प्रपंच। और एक अव्यक्त प्रपंच होता है जो है लेकिन हमको दिखता, जैसे सुषुप्ति अवस्था में सब चीजें हैं लेकिन हमको दिखती नहीं है, नहीं दिखती हैं, इसका मतलब वो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक बहुत सुंदर, ये जब जब यह ज्ञान समझ में ना आवे, जब यह ज्ञान समझ में ना आवे तो ये चौपाई बहुत, विनय पत्रिका का जो ये पद है बहुत काम में आने वाला पद है। क्या है? रघुपति भगति वारी छालित जल। बहुत सुंदर पंक्ति है, रघुपति भगति वारी छालित जल बिनु प्रयास ही सूझे। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की भक्ति से अपनी आंखों को साफ करो। कितना सुंदर है, भगवान की भक्ति से रघुपति भगति वारी, वारी मतलब पानी, उससे अपना मुंह साफ करो भक्ति से, और जब साफ हो जाएगा बिनु प्रयास ही सोचे, तो आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दृष्टि क्या हो गई? वो गुरु के चरणों से, ईश्वर की भक्ति से वो दृष्टि अपने आप प्राप्त हो जाती है। दृग विभंजन, इसी को बोलते हैं काजल लगाना। यह भक्ति यदि चित्त में आ जावे तो भक्ति का परिणाम यह है कि हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। स्पष्ट होता है? ये समझ में नहीं आता तो एक बात जान लेनी चाहिए कि अभी हमारी भक्ति में बहुत कमी है। जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति हम कर नहीं पा रहे हैं। न तो तुलसीदास जी बोले रघुपति भगति वारित, उसके उसके जल से बारी छालित जल बिनु प्रयास,
बहुत आयास और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये आप मुंह धो लोगे किससे, भगवान की भक्ति से, तो परिणाम क्या आएगा ये भी बता दे। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। वाह, तुलसीदास यह भूत विलास नहीं, भूतों से जगत बनाए पंच महाभूत, ना 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 ना, चिद विलास जग। तब यह समझ में आता है कि यह जो पूरा का पूरा जगत है, हाँ, ये पूरा का पूरा वही चैतन्य ही है, चिद विलास। विलास समझते हैं सारो ओर। फिर यह पंक्ति है कि सिया राम में सब जग जाने, ये चिद विलास है। तब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ये सब कुछ सिया राम में है, सर्वम खलविदं ब्रह्मासि। ये तब समझ में आता है जब रघुपति भगत तिवारी चालित जल, खूब अच्छी भक्ति हुई हो, भक्ति क्रियात्मक नहीं महाराज, ना ना ना, क्रियात्मक भक्ति नहीं कह रहे हैं। जब शास्त्रों ने भक्ति कही उसकी बात कह रहे हैं, उसका परिणाम ही है कि उसकी दृष्टि परिवर्तन हो गई, पलट गई मेरी नयन पुतलियां, दृष्टि बदल गई। ध्यान रखें, दृष्टि नहीं बदल रही, शब्द रट रहे हैं, तो ध्यान रखना कुछ नहीं हो रहा है। श्लोक की व्याख्या कर लें तो अच्छी बात है शास्त्र में, लेकिन दृष्टि भी दिख नहीं रही आपके व्यवहार में भी, आपकी सोच में भी भक्ति नहीं दिखती। ये बड़ी अजीब सी भक्ति आपसे बताऊं, ये प्राप्त हो जाए, एक एक कण में वह चीज दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर कण कण में दिखे, कोई गंदा रख सकता है? सोच के देखो, क्योंकि आपको क्या लग, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ये गुरु है, ये गुरु का आसन है, ये स्वामी जी का है। तो ये दृष्टि जैसे ही पैदा हो गई तो आप देखो, फिर तो आवश्यकता ही नहीं है कुछ, स्वयं ही व्यक्ति अपने आप क्या हो गया, संचालित हो गया। अगर मैं यह दृष्टि ही नहीं पा पाया तो फिर मैं कह सकता हूं काम चोरी, मक्कारी, आलसी, धोखा, झूठ, कपट, ये जीवन में होगा ही होगा। क्यों होगा? आपको दिख नहीं रहा है कि वो क्या है। अरे एक फोटो यही है कि उसको उठा के पटक दिया है, एक ये है कि उसमें जीवंत भाव देखता है व्यक्ति। ये भक्ति ही है जो दृष्टि को परिवर्तित करती है। तो ये अगर प्राप्त हुई, अच्छा ये दृष्टि क्या प्राप्त हुई? तुलसीदास यह चिद विलास जग, इसी चिद विलास को यहां क्या बोला है, अशेषेण भूतेन द्रक्ष्यसि, वह संपूर्ण भूतों को। तो कौन कौन से? स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और अव्यक्त। ध्यान रखना, अव्यक्त का अर्थ है जो इंद्रियों के जरिए से भाष्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सत्ता विराजमान है। मैंने दृष्टांत दिया आपको, जैसे बीज में ही वह वृक्ष है। गेहूं जब आपने बोया तब आपको दिख रहा था पेड़, तब नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पेड़ आ गया, इसका मतलब वो पेड़ कहां से आया? उसी बीज में था। तो था तो दिख क्यों नहीं रहा था? इसी को अव्यक्त कहते हैं। जब हमको इंद्रियों से वह दिखे नहीं लेकिन उसकी सत्ता है, तब समझ लेना। हाँ अच्छा भाई, तो स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त प्रपंच जब स्वयं में दिखने लगे, अब मैं ऐसे कह सकता हूं ये सबके लिए तो नहीं है, सबके लिए नहीं। जो अच्छा वेदांत सुन चुके हैं
और अगर साधना अभ्यास में रत हैं, ध्यान अवस्था में नेत्र बंद करने पर, अभी नेत्र बंद करने पर यह दिखे कि यह जो प्रपंच है वह प्रपंच का अधिष्ठान मैं हूं, यह दिखने लगे तो समझ लेना कि दृष्टि क्या हो गई, प्राप्त हो गई, हो गई। यह है आपका अशेषेण भूतेना, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है, किसी और चीज को ज्ञान नहीं समझ लेना। ज्ञान उसी अनुभूति का नाम है जिसमें सारा प्रपंच मुझमें ही जगमग जगमग कर रहा है, मुझमें ये पूरा का पूरा जग। जैसे कि स्वप्न अवस्था के बारे में हमारा क्या ख्याल है, पूछा जाए कि पूरा स्वप्न जगत कहाँ था तो आप क्या कहोगे, मुझमें था। अभी सो के उठे तो वो जो स्वप्न जगत था वो कहाँ था, मुझमें ही तो था। अच्छा वो बना कौन था, मैं ही तो बना था। जैसे स्वप्न जगत दिखता है, लेकिन एक कब पता लगा, उठने पर, उठने पर। इसी तरीके से एक ज्ञान से हमारी आंख खुल जाए तो समझ में आएगा अवस्था का अधिष्ठान शरीर नहीं है, चेतन है। अगर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जावे तो भगवान बोलते हैं वो, उसको कभी दोबारा मोह नहीं होता। एक बहुत अच्छी चीज आपको बताऊं, एक संत हुए, प्रज्ञा चक्षु संत थे, स्वामी शरणानंद जी, उनकी दो दृष्टांत दो आपको, बहुत सुंदर दृष्टांत। वो यह बोलते थे, विश्वास दो तरीके का होता है, एक विश्वास का नाम है विवेक अनुरोधी। क्या है विश्वास का, क्या नाम है, विवेक अनुरोधी। मतलब क्या हुआ, विश्वास के आधार में कौन लगा हुआ है, विवेक। विश्वास तो है लेकिन उसके आधार में कौन लगा है, विवेक, और फिर विश्वास करता है। और दूसरा एक है वो अभ्यास के कारण है और वह विवेक विरोधी हो गया है। अभ्यास के कारण विश्वास है, ध्यान रखना, विश्वास क्यों है, अभ्यास के कारण, विवेक के कारण नहीं। बोले कुछ बात समझ में नहीं, दिखाते हैं, मैं रोज सोकर उठता हूं, हाँ भाई उठते हो, इसलिए आगे भी सोकर उठूंगा, ये कैसा विश्वास है। मैं प्रतिदिन सो के उठता हूं तो आगे भी सोकर उठूंगा, ये कैसा विश्वास है। हो सकता है आदमी सोवे, हाँ ना जगे ले, हो सकता है कल हो जावे, परसों हो जाए, नरसों हो जाए, कभी सात दिन में हो गई होगा, सोम से लेकर रविवार तक में सात ही दिन में कभी न कभी होगा। हमको क्यों लगता है कि मैं सोऊंगा तो फिर उठूंगा, इस विश्वास को क्या कहें। यह जो विश्वास है यह विवेक विरोधी है कि विवेक अनुरोधी। विश्वास तो है कि कल उठेंगे, ब्रह्मा इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो जी, तो अभ्यास के कारण हम अभी तक सो के उठते आए हैं, इसलिए हमको अभी भी क्या लगता है कि कल तो सो के उठे थे तो कल भी फिर सो के उठ जाएंगे, ये किसके कारण लग रहा है, अभ्यास के कारण। सूरज रोज रात के बाद उगता है, ऐसा ही होता रहेगा,
तो विज्ञान के लोगों का ऐसा जरूरी नहीं है। ले सूरज भी क्षीण हो रहा है, हो सकता है पूरा यह भी क्या हो जाए, क्षीण हो जाए। तो विश्वास को बहुत झटका लगा कि नहीं लगा? तो कौन से विश्वास को, जो विवेक सम्मत नहीं है, तो विश्वास क्यों हुआ फिर जब विवेक सम्मत नहीं? अभ्यास के कारण। तो हमारे बीच यह जो धारणा बनी है, हम लोगों की जो धारणा बनी है वह विवेक से नहीं बनी है। देखो बहुत दूसरी चीजों के बारे में विवेक किया है, पर अपने बारे में कभी भी विवेक नहीं किया। अनादि काल से यह विवेक है कि मैं तो करता हूं, मैं तो भोगता हूं, मैं तो एक देश में हूं, मैं तो एक काल में भी हूं। अभी भी मैं प्रातः काल एक सत्संग सुन रहा था स्वयं के लिए व्यक्तिगत, वहां पर बहुत अच्छा स्वामी जी ने यही बात है कि जो बाधा है, आखिर ज्ञान के वह शब्द सुनने के बाद भी मेरी अनुभूति वैसी क्यों नहीं हो पाती? ब्रह्म भी एक शब्द है, जैसे कि कोई एक शब्द वैसे ब्रह्म भी एक शब्द है, लेकिन ब्रह्म शब्द सुनने के बाद शब्द ही है, किसी किसी का हो गया। तो उसका बहुत बड़ा कारण है हमने अभी तक का जो जीवन जिया वो कैसा अविवेक पूर्ण जिया है, और अभी भी नहीं, न जाने कितने वर्षों पुराने, वर्षों कह रहा हूं, कितने जन्मों से हम ये सोचते आ रहे हैं मैं करता हूं मैं भोगता हूं और मर गए। वही विवेक, वही अज्ञान लेकर हम आज भी चल रहे हैं। इसलिए ध्यान में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक न दिन इन सबको क्या करना पड़ेगा, क्षय तो करना ही पड़ेगा। इसी का नाम ध्यान अभ्यास है, इसी का नाम ध्यान अभ्यास है। इसलिए कभी भी ध्यान कोई सोचे एक जैसा लगेगा, जैसा कल था, ऐसा नहीं हो सकता। आज पता नहीं कौन सी कर्म की पूंजी आएगी और मेरा ध्यान तोड़ देगी, तो टूट गया, सच्चाई है। फिर से कल अभ्यास करना है, फिर से अभ्यास करना है। तो हमारे शास्त्रों में जो स्वामी जी के वाक्य थे वह विवेक पूर्ण विश्वास करना है ना। तो ये जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि पूरी, देखो तो एक व्यष्टि में और एक समष्टि में, दोनों जगह ज्ञान दिखा रहा हूं। समष्टि में ज्ञान यह है कि चेतन में जगत है, क्या दिखाया? चेतन में जगत है। जैसे कि व्यष्टि में क्या देखना है, जागृत अवस्था में मैं नहीं हूं, मैं जागृत अवस्था है, मैं स्वप्न अवस्था है, और मैं ही सुषुप्ति अवस्था है। स्पष्ट हुआ? यह व्यष्टि में भी देखना है, इसको समष्टि में भी देखना है। ये ध्यानाभ्यास कर, अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, बढ़िया। जब समय मिल जाए तब 15 मिनट आंख बंद करके देख लीजिए ध्यानाभ्यास में, और ये देखिए कि अभी मेरी अनुभूति क्या है, मेरा अभी साधना में स्टेटस क्या है, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मैंने आपको आइडियल ये बता दिया, प्रपंच में चेतन नहीं है, जगत प्रपंच हाँ, वो टीका किस पर है? चेतन पर। ये बस वही काकभूषुंड जी की लाइन याद कर लीजिए, निज प्रभु में देखाऊं जगत। बस इतना वाक्य को अगर समझ में आ जाए,
ध्यान अभ्यास के लिए तो काम निकल जाए। लेकिन अब ये जरूर है, भक्ति इतनी और आपकी सहायता के लिए यह समझ में आना चाहिए कि चेतन में जगत है। तो चेतन मतलब क्या? चेतन में जगत है इसका मतलब क्या हुआ? चेतन का सबसे बड़ा लक्षण है स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयी। स्वयं विभाति, स्वयं तो प्रकाश पूर्ण प्रकाशमान ही है, अन्यों को भी वह प्रकाशमान बनाता है, उसको चेतन कहते हैं। जिसमें स्वयं की सत्ता तो वही है, दूसरों को भी सत्ता देता है। उसके पास सत्ता नहीं है। जो आपको सर्प दिखाई दे रहा था रस्सी पे, उसको सत्ता किसने दी? रस्सी ने दी। रस्सी की उधार ली गई सत्ता सर्प के रूप में भासित होती है। सर्प की अपनी कोई सत्ता वहां पर नहीं है। तो ये चेतन का लक्षण याद रखिए, स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत। चेतन उसको बोलते हैं जिसको अपने को स्वयं का ज्ञान है, हाँ, जो स्वयं को जानता है, स्वयं का बोध है, और वह जो बोध है ना वो कैसा है? साधनम बिना। ये बहुत ध्यान अभ्यास के लिए अच्छा है। बिना किसी साधन के अपना बोध है। हम अपने आप को कैसे जानते हैं? इंद्रियों के जरिए से, शरीर के जरिए से। शरीर को उस चेतन के जरिए से जानते हैं। अभी वेदांत है, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए भारी पड़ेगा, ये जरूर है। लेकिन हम अपने आप को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा नहीं, वो कैसा है? स्वयं विभाति, कैसा है? स्वयं प्रकाश है, और अन्यों को भी क्या करता है? प्रकाशित करता है। बिना किसी साधन के दूसरों को भी प्रकाशित करता है, उसको चेतन बोलते हैं। ये समझना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस चेतन को आपको ध्यानाभ्यास में देखना चाहिए, और तो आपको और स्पष्ट होगा कि चेतन किसको कहा जा रहा है। कल मैं आपको ध्यानाभ्यास के जरिए ये चेतन की स्थिति बताऊंगा, इस चेतन को देखने की विधि क्या है, कहां? ध्यान अभ्यास में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि।